नमस्कार दोस्तों, यमी इंडियाज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल मटन। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है लगभग 900 ग्राम गोट मीट। इसको इस बड़े बाउल में डाल लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लगभग 700 ग्राम प्याज। इसको मैंने बारीक काट लिया है जिससे ये आसानी से गल जाए। इसमें डाल लेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, बहुत रफली चॉप किया है। साथ में ले लेंगे हम 3 हरी मिर्चें, इसे मैंने बस बीच में से 2 भाग में कट कर दिया है। 1 इंच अदरक जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, इसे भी मिला लेते हैं। और 2 खड़े लहसुन। बिहारी मटन में हम लोग खड़े लहसुन यूज करते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम डाल लेते हैं मसाले। सबसे पहले आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 बड़ा चम्मच मटन मसाला। इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। बिहारी मटन बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम आज प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो ये जल्दी बन भी जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। मेरे दादाजी घर पे ऐसे ही मटन बनाया करते थे और वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता था। अच्छे से हम इसको मिला लेते हैं जिससे मसाला हर जगह चला जाए। ये अच्छे से मिल गया है, इसे अब हम ढककर 10 मिनट के लिए ऐसे रेस्ट करने के लिए देते हैं। हमने एक कुकर को गैस पे चढ़ा लिया है, इसे गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। कुकर अभी गर्म हो गया है। इसमें हम डाल लेंगे लगभग आधा कप सरसों का तेल। मटन बनाने में थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है, इसे अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। देखिए तेल हमारा पूरा गर्म हो गया है, इसमें से धुआं निकलने लगा है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और तेल को थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और लिड लगा देंगे तुरंत। इसे तेल फाड़ना कहते हैं। इससे सरसों के तेल में जो झोंसापन होता है या जो स्ट्रॉन्ग उसकी स्मेल होती है वो चली जाती है। अब हम इसमें डाल लेते हैं खड़े मसाले। मैंने यहाँ 3-4 लाल मिर्चें ले ली हैं, वो डाल देते हैं। 2 तेज पत्ते, 1 इंच दालचीनी, 3 बड़ी इलायची, 1 स्टार फूल, 15-20 काली मिर्च, 3-4 लौंग, 5 हरी इलायची। इसे हम एक बार मिला लेते हैं। मसालों का फ्लेवर तेल में आ जाने देंगे, इसलिए बस थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। गैस को वापस ऑन कर लेते हैं। हीट मैंने लो पे रखा है अभी। अब हम इसमें डाल लेते हैं मटन। इसे हम मिला लेते हैं। आँच फुल पे कर लेते हैं अभी और इसे 5 मिनट फुल आँच में पकाते हैं। तो बीच में चला लेंगे। तीन चार मिनट के लिए हमने इसे फुल फ्लेम में ऐसे भून लिया है। अभी हम फ्लेम को फुल पे ही रखेंगे और इस पर ढक्कन लगा देंगे। प्रेशर नहीं लगाना है, बस ढक्कन ऊपर से रख देना है और इसे पकने देंगे। ढक्कन लगा के इसे पकाते हुए लगभग 3-4 मिनट हो गया है। एक बार देख लेते हैं, इसे लगा लेते हैं। प्याज गलना शुरू हो गया है। ढक्कन फिर से लगा देते हैं और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। 3-4 मिनट हो गया है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए प्याज ऑलमोस्ट गल गया है। पाँच सात मिनट के लिए इसे और पकने देते हैं अभी, फिर चेक करेंगे। 2 मिनट हो गया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्याज गलने लगा है तो अभी, और फ्लेम भी फुल पे है तो अभी देखना जरूरी है कि नीचे लगने ना लगे। अभी नीचे लग नहीं रहा है तो इसे फिर से हम ढक्कन लगाकर छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन 2-2 मिनट पर हम एक बार चेक करते रहेंगे। 2 मिनट हो गया है, एक बार और चेक कर लेते हैं। मीडियम पे कर देंगे और इसे मीडियम पे पकाएंगे। प्याज हमारा अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें डाल लेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। प्याज की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है इसमें से अभी। अब हम ढक्कन लगाकर 10 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे इस बार पकाएंगे। इसे पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गया है, इसे हम चेक कर लेते हैं।
मटन हमारा अच्छे से भुन गया है, प्याज और सारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। इसमें हम डाल लेते हैं आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। ये गरम मसाला मैंने घर पे बनाया है, इसके रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं और आप खुद घर पे बनाएं। घर का बना हुआ गरम मसाला बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी, क्योंकि अभी इसे हमें प्रेशर कुक करना है। चला लेते हैं इसे, इस पे हम ढक्कन लगा देते हैं। फ्लेम को भी हमने हाई पे रखा है, जब एक विसल आ जाएगा उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे हम पकाएंगे लगभग आधा घंटे के लिए। एक विसल आ गई है, अब हम आंच को मीडियम पे कर देंगे। मटन को पकते हुए लगभग आधा घंटा हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अभी हम इसका प्रेशर ऐसे नहीं निकालेंगे, इसे हम छोड़ देंगे। जब इसका खुद से प्रेशर निकल जाएगा उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। इसमें से प्रेशर निकल गया है अभी, अब इसे एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखिए कितना अच्छा मटन बना है। आप इसे जरूर घर पे ट्राई करें। चलिए अब इसे हम प्लेट कर लेते हैं। ये बिहारी स्टाइल मटन करी बनके तैयार हो गया है, आप इसे राइस या नान के साथ एंजॉय करें। वैसे बिहार में इसे चावल के साथ खाया जाता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल बटन को भी दबा लें, जिससे आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए Take care, bye bye and happy cooking. Thanks for watching.